हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय विज्ञान के वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यहाँ हम आप सभी की डिमांड पर लेकर आए हैं कक्षा 8 के सब्जेक्ट विज्ञान का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, जिसमें आपके पूर्णांक रहेंगे 80 मार्क्स। यहाँ आपको बता दें कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपको मिलेंगे सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक विकल्प को चूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया कहलाती है सिंचाई, कटाई, बुआई, निराई। तो यहाँ आंसर क्लिक हो जाएगा आपका निराई। सेकेंड क्वेश्चन है, वायरस से होने वाला रोग है, तो वायरस से होने वाला दिए गए ऑप्शंस में रोग है कोरोना, कोरोना वायरस, जो कि अभी बहुत प्रचलित है, 3 साल से काफ़ी परेशान कर रखा है कोरोना ने। तो थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से अंडप्रजक जंतु है मनुष्य, कुत्ता, छिपकली, घोड़ा। तो यहाँ मनुष्य, कुत्ता, घोड़ा सभी प्रजनन करते हैं, जो कि अंडा नहीं रहता है, बच्चे को प्रजनन करते हैं, जबकि जो छिपकली है उसका अंडा होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो यहाँ द्रव, गैस, ठोस, तीनों में ही ध्वनि का संचरण होता है, सिर्फ निर्वात में नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, निर्वात। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। तो यहाँ आपको बताते कि शनि आंतरिक ग्रह नहीं है। ठीक है, शनि के चारों तरफ एक आपने देखा होगा कि कुंडली नुमा कुछ बना हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो कि आपके एयर कंडीशनर हैं, फ्रीज है, जो इस टाइप के जो उपकरण होते हैं इनमें से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि बहुत ही घातक है हमारे पर्यावरण के लिए, और जो कि ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने का एक मुख्य कारण भी है। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न, सेवेंथ क्वेश्चन है, नायलॉन रेशो के कोई दो उपाय बताइए। आपको नायलॉन रेशो के कोई दो उपाय उपयोग बताने हैं नायलॉन रेशो के। एट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभयारण्य, पेड़ पौधे एवं जैव जंतु। तो आपको किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है। नाइन्थ क्वेश्चन है, तरल घर्षण किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि तरल घर्षण किसे कहा जाता है। टेंथ क्वेश्चन है, विद्युत लेपित दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपको विद्युत लेपित दो वस्तुओं के नाम लिखने हैं यहाँ पर। इलेवेंथ क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो आपको बताना है कि सोडियम और जो पोटेशियम होता है उसे मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, आप पेट्रोल या डीजल बचाने के लिए क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। आपको बताना है कि आप उपयोग जो पेट्रोल डीजल का है तो उन्हें बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे कम दूरी के जो हमारे कम दूरी के जो हैं, जैसे मार्केट जाना है हमें, पास ही के मार्केट जाना है या डेयरी जाना है, तो हम अपने व्हीकल का यूज़ ना करते हुए साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर हमें उचित लगता है तो हमें पैदल ही वॉक करके जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम डीजल और पेट्रोल बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, अब है लघुतरात्मक प्रश्न 13 है, कुछ सूक्ष्म जीवी हमारे लिए लाभदायक है, कथन को स्पष्ट कीजिए। आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो आपको आंसर बताना है कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं, तो ये जो कथन है ये स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 14 है, धातु और अधातु के भौतिक गुणों के अंतर लिखिए। ठीक है, तो आपको भौतिक गुणों के अंतर लिखने हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके पिछले जो आपके गृह कार्य आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन उनमें से ही लगभग लगभग दिए गए हैं। 90-95% आपके जो हैं क्वेश्चन वो उन्हीं में से लिए गए हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स ने हमारे जो प्रोवाइड किए हैं हमने गृह कार्य, उन्हें केयरफुली रीड किया है, समझा है और केयरफुली नियमित रूप से देखा है ना, उनके लिए जो ये पेपर है बहुत इजी लग रहा होगा, उन्हें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं लगना चाहिए उन्हें, और 80 में से 80 मार्क्स उनके आ सकते हैं। जो लोग नियमित रूप से हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं और नियमित रूप से जो हमारे गृह कार्य हैं और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो अगर देखते आ रहे हैं तो। ठीक है, इनके आंसर्स भी हम बताते जाएंगे आपको, तो पहले एक बार पूरा पेपर देख लीजिए, देन हम आंसर भी सॉल्व करेंगे इनके। 15 क्वेश्चन है,
हमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, ये कैसे बनता है, तो आपको बताना है। 16 क्वेश्चन है, आप एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में प्लास्टिक का उपयोग करते समय कौन सा 5R सिद्धांत याद रखेंगे, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, आप अपने स्तर पर इस दुष्परिणाम की बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। 18 क्वेश्चन है, आग लगाने के समय फायरमैन पानी की पाइप का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद क्यों कर देते हैं। 19 क्वेश्चन है, तारामंडल क्या है, किन्हीं दो तारामंडल के सचित्र समझाइए। 20 क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण तथा स्थैतिक घर्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आपको अंतर बताना है कि सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण में अंतर क्या है। 21वां प्रश्न है, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, मेंढक के अंडे से वयस्क बनने के जीवन चक्र के बारे में बताइए, ठीक है। अब है आपका निबंधात्मक प्रश्न, 22वां प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियां तथा इसे कम करने के उपाय लिखिए, अथवा भूकंप क्यों आता है, भूकंप के समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आप कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें यहाँ पर कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है और इससे होने वाली जो हानियाँ हैं इसे कम करने के उपाय हैं वो बताने हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि भूकंप क्यों आता है या भूकंप के समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। 6 नंबर का प्रश्न है आपका ये। 23वां प्रश्न है, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी कीजिए, ताजमहल की घटती सुंदरता और गंगा नदी के जल में बढ़ता प्रदूषण। तो आपको इन बिंदुओं पर टिप्पणी करनी है, या फिर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आपको दिया गया है कोई दो उदाहरण बताइए जिससे ये स्पष्ट होता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना ईजी हो जाता है ना जब हमें दो क्वेश्चन का चॉइस मिलता है, तो या फिर आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन में से आप एक कर सकते हैं, 6 मार्क्स का है। 24वां प्रश्न है, वायु प्रदूषक किसे कहते हैं, विश्व उष्णन के बारे में समझाइए, अथवा गेहूं की फसल उगाने के लिए आप कौन कौन सी कृषि पद्धतियों की सहायता लेंगे, सभी कृषि पद्धतियों को क्रम में लिखिए। 25 प्रश्न है आपका, खरपतवार किसे कहते हैं, हम अपनी फसलों की खरपतवार से कैसे सुरक्षा करेंगे, अथवा किसी बच्चे की ध्वनि एक वयस्क व्यक्ति की ध्वनि से भिन्न क्यों होती है, कारण सहित समझाइए, मानव कान का नामांकित चित्र बनाइए। आपको बताना है कि बच्चे की ध्वनि एक वयस्क व्यक्ति की ध्वनि से भिन्न क्यों है और कारण सहित आपको समझाना है कि मानव कान का नामांकित चित्र और जो मानव कान का नामांकित चित्र है वो बनाना है, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है, ऊपर वाला भी कर सकते हैं आप, खरपतवार किसे कहते हैं, हम अपनी फसलों की खरपतवार से कैसे सुरक्षा करेंगे। चलिए अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम आंसर भी देखते जाएंगे साथ के साथ में, तो जो बच्चे हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए हम आंसर भी लेकर आए हैं। तो आपको बता दें कि नायलॉन रेशो के आपको पूछे गए थे, 7th पर प्रश्न था, नायलॉन रेशो के कोई दो उपाय, तो नायलॉन रेशो के दो उपयोग जो है वो है पैराशूट बनाने में, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों को बनाने में, ठीक है। 8वां प्रश्न था आपका, 8वां प्रश्न हम देख लेते एक बार फिर से कि निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है आपको, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभयारण्य, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। तो आपको आंसर बता देती हूँ मैं यहाँ, राष्ट्रीय उद्यान विशाल आरक्षित क्षेत्र जिसमें पर्यावरण के संपूर्ण घटकों का संरक्षण हो सके उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। और पेड़ पौधे एवं जीव जंतु ये जैव मंडल की संपदा है, कुछ जंतु विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें प्राणी जात कहते हैं तथा कुछ पेड़ पौधे जो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें वनस्पति जात कहते हैं। अब आपको पूछा गया था कि तरल घर्षण, तो यहाँ तरल घर्षण की हम परिभाषा बता देते हैं कि जल तथा अन्य द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को तरल घर्षण या कर्षण कहते हैं। विद्युत लेपित दो वस्तुएं बतानी थी आपको, 10वां प्रश्न था आपका, तो विद्युत लेपित दो वस्तुएं हैं जैसे बर्तन जिन पर सोने का लेप किया जा सकता है, 3 के डिब्बे, ठीक है। 11वां प्रश्न था आपका, सोडियम और पोटेशियम जो था आपका कि इन्हें मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो यहाँ बता दें कि आपको सोडियम और पोटेशियम धातु ऑक्सीजन तथा जल से अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करके बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं जिससे आग लग सकती है, अतः इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है।
और नेक्स्ट प्रश्न था आपका 12वां प्रश्न, पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए गाड़ी का नियमित रखरखाव करेंगे, टायरों का ताप सही रखेंगे, गाड़ी को समान एवं मध्यम गति से चलाएंगे, यातायात लाइटों पर अनावश्यक खड़े रहने पर गाड़ी का इंजन बंद कर देंगे, आसपास की जगह पर पैदल जाएंगे। ठीक है, 13वां प्रश्न है कि आपकी जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए किस तरह लाभदायक है, कि आपको बताना था, इस जो लाइन है इसको स्पष्ट करना था। तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में अत्यंत लाभदायक है, जैसे इनका उपयोग अल्कोहल बनाने में, दही, ब्रेड, केक, पनीर, इडली, भटूरे और औषधीय उपयोग में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने एवं पर्यावरण के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। खमीर उठता है ना, जैसे इडली का घोल बनाया हम, थोड़े टाइम के लिए उसको रखते हैं 4-5 घंटे के लिए ताकि उसमें खमीर उठ जाए, तो वो क्या होता है, वो सूक्ष्म जीव ही होता है जिसके द्वारा खमीर उठने लगता है। जैसे भटूरों का हमने आटा डो लगाया तो उसमें भी, दूध से जो दही बनता है उसमें भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव से ही बनता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों का अगर यूज़ ना हो तो वो बने ही ना। तो सूक्ष्म जीवों के लिए हमारे जीवन में एक जगह है और हमारे जीवन में अत्यंत लाभदायक भी है कुछ सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब आपको बताना था धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर। तो धातु होते हैं ये कठोर, चमकीले, अघात वर्ध्य, तन्य, ध्वनि, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे आयरन, चांदी। और अधातु इसके विपरीत, अधातु नरम धूसर होते हैं, इनमें अघात वर्धनीय तन्यता का गुण नहीं होता है, ये ध्वनिक नहीं होते हैं तथा ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन। अब आपका जो 15 प्रश्न था आपका कार्बनीकरण, हमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, ये कैसे बनता है आपको बताना था, तो इसका आंसर देखते हैं। कोयला जीवाश्मी ईंधन है, यह गर्भगृह, पृथ्वी के जो गर्भगृह है उससे प्राप्त होता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों के वन बाढ़ जैसी आपदाओं के कारण मृदा के नीचे दब जाए, उनके ऊपर अधिक मृदा के कारण दाब बढ़ता गया और दब गए, यहाँ गए लिखना है, ताप भी बढ़ता गया जिससे ये वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार मृत वनस्पति से धीमे क्रम द्वारा कोयला बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। तो मूल रूप से ये जो बहुत पुराने वर्षों से कहीं बाढ़ आ गई थी, जैसे आपदा आ गई थी, तो जो मृदा के नीचे जीव जंतु वनस्पति दब गई थी ना, उन्हीं से धीरे 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 क्या बना है, कोयला। ठीक है, 16 क्वेश्चन है आपको 5R सिद्धांत बताना था। तो यहाँ लिखेंगे, उपयोग कम करिए रिड्यूस, पुनः उपयोग कीजिए रीयूज, पुनः चक्रित कीजिए रिसाइकिल, पुनः प्राप्त कीजिए रिकवर, उपयोग मत कीजिए रिफ्यूज। ठीक है, ये 5R सिद्धांत है। वनोन्मूलन के दुष्परिणाम यहाँ लिखेंगे, जैसे वनोन्मूलन के दुष्परिणाम, पृथ्वी के ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, भौम जल स्तर का निम्नीकरण होता है, प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है, भूमि की उर्वरता में कमी होती है एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल पड़ना, बाढ़ आना की संभावना बढ़ जाती है। हम इस दुष्परिणाम से बचने के लिए वृक्षारोपण करेंगे और वनों का संरक्षण करेंगे। तो वनोन्मूलन के दुष्परिणाम तो देखे ही हमने, और इसकी उपाय क्या क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, तो हमने बता दिया है। ठीक है, अब है आपका 18वां प्रश्न। ठीक है, तो हमारा 18वां प्रश्न एक बार देख लेते हैं। हाँ, हमारा 18वां प्रश्न था, फायरमैन पाइप का उपयोग करते, जब हम आग लग जाती है तो पाइप का जो उपयोग करते हैं, तो मुख्य विद्युत आपूर्ति को क्यों बंद कर देते हैं, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है एवं पानी के कारण करंट आने का खतरा रहता है, इसलिए फायरमैन पानी के पाइप का उपयोग करने से पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। अब आपको कोई भी दो तारामंडल बताने थे, चित्रांकित करना था। तो यहाँ जैसे तारामंडल है, पहले तो परिभाषा देख लीजिए, पहचाने जाने वाले योग्य आकृति वाले तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। जैसे पहला लिखेंगे ग्रेट बियर, जिसमें यहाँ इस तरह से तारे दिखे जाते हैं, ओरियन जहाँ इस तरह से तारे दिखे जाते हैं। ठीक है, सर्पी घर्षण बताना है अब आपको, 20वां प्रश्न है आपका सर्पी घर्षण। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर
सरक रही होती है उस घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण, जब कोई वस्तु एक जगह पर खड़ी रहती है तो उस पर घर्षण लग रहा होता है तो जिसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। 21वां प्रश्न, जिसमें आपको बताना था बाह्य निषेचन और मेंढक से जो वयस्क मेंढक निकलता है, मेंढक के अंडे से किस तरह से मेंढक का वो होता है, क्या कहते हैं, किस तरह से वो बनता है उसका लार्वा से वयस्क एक मेंढक, तो वो बताते हैं हम। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं कि इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर व मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। ये स्टार फिश, मछली जैसे जलीय जीवों में पाया जाता है, तो इनके अंदर नहीं होता है निषेचन, यहाँ बाहर ही होता है, मादा के शरीर के बाहर ही होता है, तो इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। ये जो समुद्री जीव है ज़्यादातर उनमें रहता है, स्टारफिश, मछली जैसे जीले जली जीवों में, ठीक है। मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं तथा ये अपेक्षाकृत कोमल होते हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से तैरते हुए अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित है, अंडा, टैडपोल, लार्वा, वयस्क, ठीक है। तो यहाँ भी बाह्य निषेचन ही एक तरह से होता है कि मादा जैसे अंडा देती है तो उस पर नर अपना शुक्राणु छोड़ देता है और शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से तैरते हुए अंड कोशिका के संपर्क में आता है जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। अब आपको ध्वनि प्रदूषण बताना था कि ध्वनि प्रदूषण किस तरह हानिकारक है और इसके कम करने के उपाय बताने थे आपको और क्या कारण है इसके ध्वनि प्रदूषण के, तो बताते हैं हम। 22वां प्रश्न है आपका, ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इसके कारण लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्र ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित है। कल कारखानों में चलने वाली मशीनों से उत्पन्न आवाज़ गड़गड़ाहट इसका प्रमुख कारण है। ताप विद्युत ग्रहों में लगे बॉयलर टर्बाइन काफ़ी शोर उत्पन्न करते हैं। परिवहन के साधन, परिवहन के सभी साधन कम या अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इनसे होने वाला प्रदूषण बहुत अधिक क्षेत्र में होता है। इससे ध्वनि प्रदूषण के साथ वायु प्रदूषण की कल्पना स्वतः ही की जा सकती है। मनोरंजन के साधन, जैसे मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम, डीजे जैसे साधनों से अपना मनोरंजन करता है, परंतु इनसे उत्पन्न तीव्र ध्वनि शोर का कारण बन जाती है। विवाह, धार्मिक आयोजन, मेलों, पार्टियों में लाउडस्पीकरों का प्रयोग किया जाता है, डीजे के चलन भी ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। निर्माण कार्य, घर बनाने के लिए आजकल लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है। विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त विभिन्न मशीनों और औजारों के प्रयोग से भी फलस्वरूप ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। आतिशबाजी, हमारे देश में विभिन्न त्योहारों, उत्सवों, मेले, सांस्कृतिक वैवाहिक समारोह में आतिशबाजी एक आम बात है। इन आतिशबाजियों से वायु प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही ध्वनि तरंगों की तीव्रता भी इतनी अधिक होती है जो ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्या को जन्म देती है। अन्य कारण, विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रैलियों, श्रमिक संगठनों की रैलियों का आयोजन इत्यादि अवसरों पर एक जन समूह की वार्तालाप से भी ध्वनि तरंग तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसी प्रकार प्रशासनिक कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों पर भी विशाल जनसंख्या के शोरगुल के फलस्वरूप भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब इसके बचाव के क्या उपाय हैं कि सरकार और जनता के संयुक्त प्रयासों से ध्वनि और शोर की तीव्रता को कम करके हम ध्वनि प्रदूषण से निजात पा सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह भी बेहद आवश्यक है कि हम ध्वनि और शोर को नियंत्रित करें ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतार खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है, क्योंकि हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डीबी तक कम कर सकते हैं। महानगरीय क्षेत्रों में हरित वनस्पतियों की पट्टी विकसित की जा सकती है। प्रेशर हॉर्न बंद किए जाएं, इंजन व मशीनों की मरम्मत लगातार हो, सही तरह से ट्रैफिक का संचालन हो एवं शहरों के नए इलाके बसाते समय सही योजना बने। इसके अतिरिक्त भी हम कई तरह के प्रयास जैसे सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल और कई ऐसे अन्य तरीके अपनाकर इसे कम कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि 23वां प्रश्न आपका क्या है, तो 23वां प्रश्न पहले देखते हैं हमारा क्या था। 23वां प्रश्न है हमारा,
निम्न बिंदु पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना था तो देखते हैं इसका। तो ताजमहल की घटती सुंदरता, तो यहाँ लिखेंगे कि हवा में मौजूद धूल और कार्बन के कण ताजमहल पर जम जाते हैं, इससे संगमरमर की चमक लगातार फीकी पड़ रही है, इसे ही ताजमहल के सौंदर्य के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इस प्रदूषण की बड़ी वजह उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। और गंगा में बढ़ता प्रदूषण, तो गंगा में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण इसके तट पर निवास करने वाले लोगों द्वारा नहाने, कपड़े धोने, सार्वजनिक शौच की तरह उपयोग करने की वजह है। अनगिनत टैनरीज, रसायन संयंत्र, कपड़ा मिलों की मिलों, डिस्टिलरी, बूचड़ खानों और अस्पतालों का अपशिष्ट गंगा के प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रहा है। 24वां प्रश्न है आपका वायु प्रदूषक। तो यहाँ लिखेंगे कि वायु प्रदूषक जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। विश्व उन्नयन पृथ्वी के लिए गंभीर खतरा है। पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि को विश्व उन्नयन कहा जाता है। यह पौधा घर गैसों द्वारा फंसे अत्यधिक गर्मी के कारण होता है। मानव गतिविधियों का कारण पौधा घर गैसों में वृद्धि और पेड़ काटने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख हरे घर का गैस विश्व उन्नयन के लिए मार्ग बना रहा है। अब खरपतवार किसे कहते हैं और इसका किस तरह से हम इससे हमारी जो फसल है उसका उपयोग बचाएंगे उससे, तो यहाँ लिखेंगे खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। हम अपने खेत में खरपतवार नाशी का प्रयोग करके खरपतवार को नष्ट करेंगे। इसके अलावा खरपतवार को खुरपी की सहायता से हटा देंगे। तो इस तरह से जैसा कि आपको बताया गया था कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर हम बताएंगे साथ ही साथ पेपर के साथ साथ, तो हमने सभी क्वेश्चन के आपको आंसर बताए हैं साथ ही साथ। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं बच्चे, जो ना भी जुड़े हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं सभी का पेपर जो आपका वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र है वो बहुत अच्छे से हो। आपकी जो आने वाली एग्जाम्स हैं उनके लिए हमारे चैनल की तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। और हम उम्मीद करते हैं हमारे चैनल के द्वारा आपको किसी न किसी प्रकार से कोई हेल्प मिली हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ देखते रहें। तो इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।